फ्रेंड्स, अगर आपके कान में या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के किसी के भी कान में उस घंटी जैसा सुनाई देना या पी लगातार बज रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है, या फिर रोरिंग वाला या हिजीनेस या डिजीनेस, ऐसा अगर कोई भी आवाज आ रहा है तो आप एक डिजीज से जूझ सकते हैं या जूझ रहे होंगे, जिसका नाम होता है टिनिटस। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टिनिटस क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, क्या स्ट्रेस की वजह से टिनिटस हो सकता है, क्या टिनिटस आपके लिए खतरनाक हो सकता है, या फिर टिनिटस आपको आपको ईयर ड्रॉप डालने से ही ठीक हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम की पूरी सही से सही जानकारी मिलती रहेगी। लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना न भूले। तो शुरुआत करते हैं टिनिटस के बारे में। ये ऐसा एक कंप्लेन पेशेंट आके करता है अपने फिजिशियन के यहाँ कि सर मेरे कान में कुछ 24 घंटे से या फिर कुछ ही 2 घंटे 4 घंटे से एक हिजिंग वॉइस आ रहा है, जबकि रियलिटी में किसी प्रकार का वॉइस नहीं रहता है, तो भी उसके कान में एक स्टिमुलस लगातार वॉइस या नॉइस का आता रहता है और वो पेशेंट हियरिंग लॉस से भी जूझ नहीं रहा होता है। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, अब हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या टिनिटस स्ट्रेस से भी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, टिनिटस स्ट्रेस के वजह से भी हो सकता है। अगर आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हैं, तो ये टिनिटस और डिजीनेस वगैरह ये भी इसको ये वर्स कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि क्या टिनिटस एक हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है? तो इसका आंसर है कि मेडिकली ये तो हार्मफुल उतना ज्यादा नहीं है, अनलेस अंटिल ट्यूमर वगैरह नर्व फॉर्मेशन हुआ हो, तो ये आपके लिए कोई इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ, आपके डेली एक्टिविटीज को ये प्रोडक्टिविटी को ये कम कर सकता है, आपको एंजाइटी वगैरह या फिर इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकता है। बात करते हैं क्या ये ईयर ड्रॉप्स डालने से सही हो सकता है टिनिटस। तो फ्रेंड्स, टिनिटस अगर आपका कारण ईयर वैक्स जमा होने की वजह से टिनिटस हो रहा है या फिर ईयर में इन्फेक्शन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, तो ईयर ड्रॉप डालने से टिनिटस थोड़ा सा इसमें रिलीफ जरूर मिल सकता है, लेकिन परमानेंट इसका नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट। तो इसमें हम लोग ईयर मास्कर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो साउंड होता है वॉइस उसको रेगुलेट करने का भी काम करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या टिनिटस लॉन्ग टर्म पे क्या हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपके वर्किंग एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। जैसे ये लगातार अगर कान में वॉइस आ रहा है तो आपको ये इमोशनली या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको आदत सी हो गई तो ये डिस्टर्ब नहीं भी कर सकता है। अब क्या है, ये कैसे सही हो सकता है, क्या ये अपने से सही हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, देखा गया है कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये सेल्फ सब्साइड भी हो सकता है, ये खुद पे खुद भी सही हो सकता है। और अगर तो भी आप इससे लगातार जूझ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने ENT फिजिशियन अपने ENT स्पेशलिस्ट से या डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होता हूँ। नमस्कार।